आज का हमारा विषय है लोक मंगल की भावना। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है लोक। ये सारा लोक है। लोक किसे कहा जाता है? जिसमें छह तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और छह तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स सारी गति पैदा करते हैं, हलन चलन पैदा करते हैं, संचरण पैदा करते हैं, उसको लोक कहा जाता है, उसको सृष्टि कहते हैं, उसको कॉस्मोस कहते हैं, उसको पर्यावरण कहा जाता है, उसको वसुधा कहा जाता है, उसको नेचर कहा जाता है। तो लोक मतलब संपूर्ण, जिसमें कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणी निवास करते हैं, उसी में जन्म लेते हैं, उसी में पोषित होते हैं और उसी के अंदर विलीन हो जाते हैं, तो ये सारा लोक कहलाता है। उसमें छह कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एनिमेट। एनिमेट का मतलब चेतन प्राणी, इन एनिमेट का मतलब जड़ प्राणी। और तीसरा होता है कि हमारा मोशन, अगर जड़ और चेतन कोई मोशन चाहता है, वो कोई गति चाहता है, तो वो मोशन तत्व जो है, जो ही डिमांड करता है चेतन या अचेतन, तो डिमांड करते ही उसको जो है मोशन मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी गाड़ी जिसको चलना है, रेलवे की ट्रेन को चलना है, तो उसको तुरंत मोशन मिल जाती है कि मोशन तत्व पूरे लोक के अंदर छाया हुआ है। ये जड़ तत्व है, ये अरूपी है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस लोक के अंदर ऐसा कोई बिंदु जगह नहीं है जहां पर जो है ये मोशन तत्व नहीं है, और जहां पर एनिमेट नहीं है और इन एनिमेट नहीं है। छह तत्व हर सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत में मौजूद है, तभी इसका नाम लोक है, और तभी इसके अंदर सारे जीव आराम से यापन करते हैं, गतिविधियां करते हैं। अब देखिए, गाड़ी चल रही है, फ्लाइट चल रही है, व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई चीज मोशन कर रही है और वो रुकना चाहती है, रुकना चाहती है। रेस्ट तत्व जो है इस पूरे पर्यावरण के अंदर मौजूद है, और उसकी जुनी आपने डिमांड की, आपके डिमांड करते ही वो हाजिर हो जाता है और आपको दौड़ते दौड़ते रोक देता है, गाड़ी को रोक देता है और हमारे एरोप्लेन को रोक देता है, किसी मोशन तत्व को रेस्ट दे देता है, वो मोशन वस्तु को, चाहे एनिमेट हो चाहे इनएनिमेट हो। उसके बाद टाइम, टाइम पूरे लोक के अंदर है, सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, पक्ष है, सप्ताह है, और उसके बाद वर्ष है, शताब्दी है। इस तरीके से ये टाइम जो है ना पूरे हमारे लोक के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर मालूम है, क्योंकि लोक मंगल की भावना की बात है। पहले लोक को डिफाइन करना जरूरी है। छठा तत्व स्पेस, ये पूरा आकाश तत्व है जिसके अंदर हम समाये हुए हैं। मैं बैठा हूं तो इतना स्पेस में घेर रहा हूं, हर वस्तु स्पेस घेरती है, चाहे जड़ है चेतन है, उस स्पेस को अवगाहना देने वाला आकाश तत्व है, स्पेस तत्व है। इन छह तत्वों के समवाय को जो है वो लोक कहा जाता है, सृष्टि कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। अब इस लोक मंगल की भावना देखिए, इसके अंदर निवास कौन करते हैं? 84 लाख जीवा योनि के प्राणी निवास करते हैं, वो तो उत्पत्ति स्थान है जहां पर ये सारी असंख्य अनंत आत्माएं हैं, शरीर धारण करके अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं, और वो सारा इस लोक में होता है, इस ब्रह्मांड में होता है, इसमें जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और साथ के अंदर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्मते हैं, ये साइकिल चलती रहती है। इस लोक के अंदर इतने प्राणी निवास करते हैं, असंख्य अनंत, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी तरह के डायनासोर्स, बड़े से बड़े लगा करके बैक्टीरिया तक के सभी जीव यहाँ पर निवास करते हैं। और वो बैक्टीरिया क्यों हुआ या डायनासोर्स क्यों हुआ, वो अपने अपने कर्मों की गति के अनुसार होता है। जैसे जैसे उसने डीड्स किए हैं, जैसे जैसे कॉजेज डाले हैं, जैसे जैसे कर्म बीज डाले हैं, उस कर्म फल के अनुरूप वो डायनासोर्स बनता है और उसको कर्म परिणाम मिलते हैं और उससे वो सुख दुख की अनुभूति करता, हर प्राणी करता है। ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है। तो आप देखिए कि इतने सारे प्राणी और एक ही सृष्टि में निवास करते हैं, तो लोक मंगल की भावना जरूरी है। हम एक परिवार में 5 सदस्य 7 सदस्य रहते हैं, अगर हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट ना करें और ये चिंतन ना करें कि ये स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, आनंद से रहें,
तो और उसके विपरीत अगर हम चिंतन मन में करें या अपने भावों के द्वारा कलह करें, झगड़ा करें, टंटा करें, तो ये स्वर्ग नर कहते हुए यही है, जहाँ प्रेम का निवास है, जहाँ आनंद की अनुभूति होती है जिस घर के अंदर, उसको स्वर्ग कहते हैं। और जहाँ पर कलह है, बीमारी है, पावर्टी है, गरीबी है, उसको हम नरक बोलते हैं। और ये हमारे कर्म जन्य होता है, हमारे कर्मों के अनुरूप मिलता है। तो इसीलिए सारे ब्रह्मांड को, सारे लोक को स्वर्ग बनाने के लिए लोक मंगल की भावना जरूरी है। लोक मंगल की भावना क्या है कि हम ये चिंतन करें कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को सुख मिले, समृद्धि मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मैत्री मिले, और सब अपने अपने जीवन का बड़ा आनंद के साथ यापन करें, सबका कल्याण हो, सबका भला हो और सबको मुक्ति मिले। क्योंकि मुक्ति जो अक्षय सुख है, और उस अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ प्राप्त करना होता ही नहीं है। मुक्ति के अंदर अशरीरी रहते हैं, वो अनंत ज्ञान वाला है।